हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा हाई कोर्ट में रखें अपनी बात। जी हां, उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालती हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए आप अपनी बात वहां रखें। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा जोशीमठ संकट पर तत्काल वित्तीय सहायता और मुआवजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिंह और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट कही गई हर बात पर सुनवाई करने में सक्षम है। हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को जोशीमठ संकट से जुड़ी हुई जो भी बात है वहां रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय पहले ही इस मामले में कई आदेश पारित कर चुका है। महिला आईपीएल से मालामाल हुआ बीसीसीआई, वाईकॉम 18 ने 951 करोड़ रुपए में हासिल किए मीडिया राइट्स। जी हां, महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया राइट्स को वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हासिल कर लिया है। महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया राइट्स से भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई को 951 करोड़ रुपए मिले हैं। वाईकॉम 18 और बीसीसीआई के बीच अगले 5 साल यानी 2023 से 2027 तक के लिए ये करार हुआ है। एक मैच की वैल्यू 7.09 करोड़ बताई जा रही है। महिला आईपीएल के संदर्भ में ये बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। यह जानकारी खुद बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट के जरिए दी है। आपको बता दें कि इसी साल मार्च महीने में महिला आईपीएल शुरू होने की संभावना है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट करते हुए वाईकॉम 18 को बधाई दी है और इसके साथ ही आगामी महिला आईपीएल को लेकर यह अब तक का बहुत बड़ा कदम बताया है। बता दें कि जय शाह ने ट्वीट करके लिखा कि महिला आईपीएल मीडिया अधिकार जीतने के लिए वाईकॉम 18 को बधाई। बीसीसीआई और भारतीय महिला खिलाड़ियों में आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। वाईकॉम 18 ने 951 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, जिसका अर्थ है कि अगले 5 वर्षों यानी 2023 से 27 के लिए प्रति मैच मूल्य 7.09 करोड़ रुपए होगा। यह महिला क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच के साथ किया संवाद, अग्निपथ स्कीम को बताया गेम चेंजर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में भर्ती की अल्पकालिक योजना अग्निपथ के तहत शुरुआती टीमों में शामिल अग्निवीरों से संवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस संवाद कार्यक्रम में वर्चुअल हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना दिवस मनाए जाने के एक दिन बाद सशस्त्र बल की तीनों सेनाओं के अग्निवीरों के पहले बैच के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निवीर पॉलिसी हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार साइबर युद्ध की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक हमारे सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की है कि कैसे महिला अग्निवीर नौसेना का गौरव बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि वह तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उत्सुक हैं। व्हाट्सएप पर जल्द मिलेगा ब्लॉक शॉर्टकट फीचर, परेशान करने वाले कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करना हो जाएगा आसान। जी हां, व्हाट्सएप एक नए ब्लॉक शॉर्टकट फीचर पर काम कर रही है। बता दें कि नया फीचर रोल आउट होने के बाद यूजर्स परेशान करने वाले कॉन्टैक्ट्स को आसानी से ब्लॉक कर सकेंगे। WA बीटा इन्फो के अनुसार ब्लॉक शॉर्टकट फीचर की मदद से यूजर्स परेशान करने वाले कॉन्टैक्ट्स का मैसेज आने पर उन्हें नोटिफिकेशन से ही सीधा ब्लॉक कर सकेंगे। हालांकि ब्लॉक शॉर्टकट तभी दिखाई देगा जब किसी अज्ञात और अविश्वसनीय कॉन्टैक्ट से मैसेज प्राप्त होगा। व्हाट्सएप नया फीचर भविष्य में अपडेट में रोल आउट करेगी। व्हाट्सएप ब्लॉक शॉर्टकट फीचर के अतिरिक्त एक और ब्लॉक फीचर पर काम कर रही है। इस फीचर के तहत यूजर्स चैट ऑप्शन के भीतर कॉन्टैक्ट्स को तुरंत ब्लॉक कर सकेंगे। फीचर रोल आउट होने के बाद यूजर्स चैट के भीतर तीन डॉट पर क्लिक करके तुरंत कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक कर सकेंगे। वर्तमान में कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करने के लिए चैट के भीतर तीन डॉट्स पर क्लिक करने के बाद मोर पर क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद ब्लॉक ऑप्शन दिखाई पड़ता है।
ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% अमीरों के पास है देश की 40% दौलत। जी हां, भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल दौलत का 40.5% हिस्सा है, जबकि सबसे गरीब 50% जनता महज 3% हिस्से के साथ गुजारा कर रही है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये जानकारी सामने आई है। देश के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की दौलत की अगर बात करें तो यह 2022 में बढ़कर 54.12 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि देश के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की दौलत 2022 में 2021 की तुलना में 32.8% बढ़कर 27.52 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसी के साथ ही देश में अरबपतियों की संख्या भी बढ़ी है। 2020 में देश में 102 और 2021 में 142 अरबपति थे, जो कि 2022 में बढ़कर 166 हो गए। वहीं 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास देश की 70 करोड़ से अधिक आबादी से ज्यादा दौलत है। देश के 100 सबसे अमीर लोगों की दौलत से 18 महीने का देश का आम बजट चल सकता है। वहीं अगर भारत के अरबपतियों पर उनकी दौलत पर 2% अगर टैक्स लगा दिया जाए तो इससे इतना पैसा आएगा जिससे अगले 3 सालों तक देश में कुपोषितों के लिए उचित आहार की व्यवस्था हो सकती है। पिछले 10 सालों में देश में जितनी दौलत बनी है उसका 40% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास गया है। मारुति सुजुकी की सभी कारों की बढ़ी कीमतें, अब इतनी करनी पड़ेगी आपको जेब ढीली। जी हां, मारुति सुजुकी ने सभी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि बढ़ी हुई कीमतें 16 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगी। कंपनी के मुताबिक एक्स शोरूम प्राइस में ये बढ़ोतरी की गई है, हालांकि अलग अलग मॉडलों पर ये प्राइस हाइक भी अलग अलग होगा। कंपनी के व्हीकल लाइनअप में ऑल्टो से लेकर ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं। प्राइस हाई के पीछे कंपनी ने इनपुट कॉस्ट बढ़ने का हवाला दिया है। मारुति सुजुकी के अलावा टाटा मोटर्स, हुंडई, ऑडी और मर्सिडीज बेंज ने भी अपने वाहनों की कीमतों में जनवरी से बढ़ोतरी की योजना बनाई है। आखिरकार सुलझ गया देश का सबसे पुराना केस। चीफ जस्टिस के पैदा होने से पहले दर्ज हुआ था मामला। जी हां, 72 साल में भारत के सबसे पुराने केस को पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट की सबसे पुरानी पीठ ने सुलझा दिया है। बिरहामपुर बैंक से जुड़ा हुआ ये केस वर्तमान चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव का जन्म होने से भी एक दशक पहले दर्ज हुआ था। कोर्ट को इस बात से राहत मिली है कि बिरहामपुर बैंक लिमिटेड की लिक्विडेशन कार्यवाही से जुड़ी हुई मुकदमेबाजी अब खत्म हो गई है। इस मामले से निपटने के बाद अब 5 सबसे पुराने लंबित मामलों में से 3 से निपटना बाकी है। बचे हुए 3 मामलों में से 2 दीवानी मुकदमे बंगाल के मालदा की सिविल कोर्ट में चल रहे हैं और 1 मद्रास हाई कोर्ट में लंबित है। मालदा की कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए आखिरी सुनवाई मार्च और नवंबर में की थी। बिरहामपुर केस भारतीय कोर्ट में सुना जाने वाला सबसे पुराना मामला है। मामले में 19 नवंबर 1948 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने तत्कालीन दिवालिया और मुकदमेबाजी से घिरे बिरहामपुर बैंक को बंद करने का आदेश दिया था। इस मामले में लिक्विडेशन की कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक याचिका 1 जनवरी 1951 को दायर की गई थी और उसी दिन मामला संख्या 71/1951 के रूप में दर्ज किया गया था। कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने दी गुड न्यूज, 31 मार्च तक कस्टम ड्यूटी माफ। जी हां, कोरोना वायरस से लड़ाई में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं देखना चाहती है। देश में कोरोना वैक्सीन की मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2023 तक सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी पर छूट दी है। कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी हटाने से इसकी कीमतों में कमी आएगी। एक नोटिफिकेशन जारी कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने कहा कि कस्टम ड्यूटी में छूट 14 जनवरी से लागू हो गई है, यह छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। सीबीआईसी बोर्ड ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस फैसले को जनहित में जरूरी बताया है। कस्टम ड्यूटी माफी से वैक्सीन के दाम कम रहेंगे। कोरोना वायरस पर मिलने वाली छूट पहले जून 2022 तक थी। विदेश से आने वाली वैक्सीन पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से विदेश से अपने देश आने वाली इम्पोर्टेड कोविड-19 वैक्सीन की कीमतें कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
बिहार के छपरा में फंसा गंगा विलास क्रूज, गंगा में पानी कम होना बनी इसकी वजह। जी हां, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज बिहार के छपरा में फंस गया। दरअसल छपरा के डोरीगंज इलाके में गंगा नदी में पानी कम होने की वजह से क्रूज को किनारे पर लाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद प्रशासन को सूचना पहुंचाई गई और फिर SDRF की टीम छोटी नाव के जरिए सैलानियों को चिरांद पहुंचाने में जुट गई है। बता दें कि डोरीगंज बाजार के पास स्थित चिरांद सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है, जहां क्रूज नहीं जा सका तो SDRF की टीम ने छोटी नाव के जरिए सैलानियों को पहुंचाया। छपरा के CO ने बताया कि चिरांद में सैलानियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। दिसंबर में लोगों को महंगाई से मिली राहत, थोक महंगाई दर घटकर 5% से नीचे आई। जी हां, देश की जनता को अब महंगाई दर के मोर्चे पर राहत मिलती दिखाई दे रही है। इसका सबूत थोक महंगाई दर के आंकड़ों के रूप में भी सामने आया है। दिसंबर 2022 में देश की थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है और ये 4.95% पर आ गई है। इस तरह से थोक महंगाई दर के 5% से नीचे आने का जो आंकड़ा है वो राहत देने वाला है। दिसंबर में थोक महंगाई दर 4.95% पर आ गई है और इससे पिछले महीने नवंबर में ये 5.85% पर रही थी। इसका मुख्य कारण खाद्य महंगाई दर में कमी आना है। दिसंबर में थोक महंगाई दर के तहत खाद्य महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई। दिसंबर में खाद्य महंगाई दर घटकर 0.65% पर आ गई है, जो कि नवंबर 2022 में 2.17% पर रही थी। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। राजस्थान के कई हिस्सों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। गुजरात और बिहार में कोल्ड वेव की स्थिति अपेक्षित है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक पाला पड़ सकता है। आज का सुविचार, जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।